सुनो विधि, अगर तुम ऑफिस से कल ऑफ लेकर आराम करना चाहती हो तो ठीक है। ओके। सर, प्यार में सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी चीज होती है विश्वास। आप अपनी माँ से प्यार बहुत करते हैं, थोड़ा विश्वास करके भी देख लीजिए। इतनी सी उम्र में कभी कभी कितनी गहरी बात कर जाती हो, ऐसा लगा जैसे जो तुमने कहा मेरे लिए कहा, मेरे अंदर के बदलाव लाने के लिए कहा। तेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला और ये लड़की वो तूफान लाएगी, लेकिन अच्छा वाला तूफान, ऐसा बदलाव जिससे मैं जिंदगी भर बचता आ रहा हूं। दे दे बाबा, कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, अरे अल्लाह के नाम पे दे दे, ताई के नाम पे कुछ दे दे बाबा। सर रहने दीजिए, काम का भिखारी के सामने बेइज्जती हो जाएगी, आपको मुझसे ही छुट्टे मांगने। वैसे भी भला हो, भगवान तेरा भला करे। आओ सर, अब छुट्टे पैसे रखने लगे। तुम्हारे तानों भरे रिमाइंडर्स के बाद मैंने सोचा छुट्टी रख ली। तो वैसे सर वो ताने नहीं थे। वैसे आज का हिसाब किताब नहीं बताया तुमने। सर कौन सा हिसाब किताब? सर बोलो, मैं अपना लैपटॉप नहीं लाई, मैं ऑफिस जाकर आपको। तो मतलब आजकल तुम सॉरी और थैंक यू का हिसाब किताब अपने लैपटॉप पे करने लगे? वाह। नहीं सर, एक मिनट, रॉकी से दोस्त। सर देखिए, रॉकी से दोस्ती करवाने के लिए आपको थैंक यू, और मैंने आपकी हेल्प की इसके लिए मुझे थैंक यू, और जो उससे मिलवाने के लिए, सर मुझे लगता है हिसाब ना एकदम बराबर हो गया, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा याद आ जाए तो प्लीज मुझे बता देना। सर ये एक एक्स्ट्रा हो गया, मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए मुझे आपको थैंक यू बोलना होगा। थैंक यू सर। तुम्हें पता ना मिस विधि, तुम स्पेशल हो थोड़ी। बाय बाय सर। अच्छे लगते हैं सर ऐसे हंसते हुए। सर की ऐसी हंसी के लिए तो मैं दिन में 10 बार अपनी हंसी करवा सकती हूँ। ना सर फटा जा रहा है ये टेंशन के मारे, अपनी जगह जाना पड़ा यार। योगेश आई एम टायर्ड। स्ट्रेस मत लो, मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया है। अब देव चाहे कहीं भी जाए, हमारे घफले उसके सामने नहीं आएंगे। ये सब ना उस गवार विधि की वजह से हो रहा है। देव सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा है उसकी वजह से, और हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। और माँ आपको पता है, रॉकी ने ऐसे चपटा मारा उस गुंडे पे और उसने मुझे बचा लिया। और माँ आपको पता है, जब मैंने ना रॉकी को पहली बार हाथ लगाया ना, तो मैं तो इतना डर रही थी कि कहीं मुझे काट ना ले। लेकिन माँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो उल्टा वो तो एकदम शांत होकर बैठ गया। और माँ मैंने ना रॉकी को हग भी किया, और
मैं क्या सोच रही थी माँ, हम लोग घर पे एक छोटा सा प्यारा सा पपी लेकर आए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस घर में। लेकिन कम से कम एक दिन के लिए रॉकी को ला सकते हैं घर पे। वो बाद में देखेंगे, तू अभी जा, जाके कपड़े बदल और मेरी किचन में मदद कर, पापा खाने का इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आती हूँ अभी। हे मिलापनी मैया, एक बार फिर देव जी मेरी विधि की जिंदगी में बदलाव लेकर आए। उसके मन का वो डर भी खत्म कर दिया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। दीदी, या तो आपकी समझने में कुछ गलती हुई है जो कि हो नहीं सकती, या फिर आपने जानबूझ के मुझे बताया नहीं है। नहीं तो यहाँ इतनी धमाधम क्यों मची होती? पता है मैया, अब तो वो कान खींचने वाला आइडिया भी काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हो रहा है। सर, ये बच्चे ना बहुत उत्सुक रहते हैं उस इंसान से मिलने के लिए जिसने इन्हें एक नई जिंदगी दी है, पर सामने नहीं आता। सर, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। आपने इन बच्चों को घर दिया है, कपड़े दिए हैं, खाना दिया है, एक बार दिल देकर भी देख लीजिए। सर, जब आप इनके साथ इनके होकर बैठेंगे ना सर, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी, खुशी के मारे ना एकदम गोलगप्पे हो जाएंगे। बस कुछ ही महीनों की पहचान है हमारी, लेकिन फिर भी हैरान हूं मैं कि कितना कुछ बदला है मेरे अंदर तुम्हारी वजह से। मिस विधि, यू आर मैजिकल। कभी नहीं सोचा था कि आप मुझ में इतना कुछ बदल देंगे सर। मैया, आप इशारा करो ना करो, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि ये वो देव सर को नॉर्मल पसंद करने वाली बात नहीं है, ये उसके आगे है, ये कुछ और ही है। हाँ, ये ना मैया वो है जो माँ पापा के लिए महसूस करती है। हाँ, माँ पापा के लिए महसूस करती है मतलब? कहीं तुम्हें देव सर से प्यार तो नहीं हो गया? अगर ये प्यार है तो जो संगीता दीदी ने कहा था वो सही था।
देव और विधि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं? देव रायचंद ने की मासूम बच्चों की रक्षा। इंदौर के मशहूर और सबसे बड़े बिजनेसमैन देव रायचंद ने एक फैक्ट्री में जबरन काम कर रहे बाल मजदूरों को आजाद करवाया। इस नेक काम में उनकी ऑफिस की कर्मचारी कुमारी विधि और देव जी के कुत्ते रॉकी ने उनकी मदद की और अनाथ बच्चों को पास ही के एक अनाथ आश्रम हमारा बाल घर में जगह दे दी है। इतनी बड़ी बात देव ने मुझे नहीं बताई। देव ये सब क्या हुआ? ये कैसे हुआ? इतना खटाप छिल गया सब कुछ देव। माँ रिलैक्स, ये हल्की फुल्की चोट है, ये तो कल तक गायब भी हो जाएगी। ये तुझे छोटी सी हल्की फुल्की चोट लग रही है, हर जगह से कटा पिटा है। और तू देव देख, तेरे बाकी किसी काम में मैं इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन जहां तक तेरी हेल्थ और सेफ्टी का सवाल है मैं कोई ढील बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, तू घर से बाहर नहीं जाएगा और ऑफिस भी नहीं जाएगा और आराम कर। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा माँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देना है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने खतरनाक काम में हाथ डालने की क्या जरूरत थी? पुलिस को फोन कर देता। माँ मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ा, जरूरी था। मैं बहुत सोच समझ कर, इसलिए वो तो एक्सीडेंटली मैं एक्सीडेंटली देव तो ये कहना चाहता है कि तू एक्सीडेंटली हमारा बालघर के पास वाली फैक्ट्री में गया, वहां से तूने बच्चों को बचाया और वापस अनाथ आश्रम में छोड़ा, ये सब कुछ एक्सीडेंटली हुआ? सर प्यार में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी चीज होती है विश्वास। आप अपनी माँ से प्यार बहुत करते हैं, थोड़ा विश्वास करके भी देख लीजिए। रुकिए माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। माँ मैं ऑफिस चली। लो कर लो बात। अरे देव जी ने आज छुट्टी दी है ना, तो फिर आज क्यों ऑफिस जा रही है? माँ आज ऑफिस में ना बहुत काम है तो मुझे जाना होगा। ठीक है मैं टिफिन लेकर आती हूँ। ठीक है। मैं तो मीठी पर दुनिया खारी, आसपास के लोग कहते हैं कि ऑफिस का काम छोड़ के सब करती है, यहाँ वहाँ न जाने क्या क्या उल्टे सीधे काम करने लगी, अखबारों में फोटो छपने लगी है। हो गई इसकी शादी, घर बैठाने की तैयारी कर लो इसे। अखबार हमारे घर भी आता है तो इस बात को लेके यहाँ आग लगाने की जरूरत नहीं है। आग तो आपकी बेटी ने लगाई है जीजी, और कहीं यही आग आपका घर ही ना जला दे, और इसके पीछे ना आप ही की शय है। हे मैया, सुबह सुबह इसे यहाँ आने से रोका क्यों नहीं? अब घर का सारा काम छोड़ के इनसे बहस करो। बहस की क्या बात है, अब फोटो छपी है तो छपी, हमने थोड़ी छपवाई है। अरे भाई कमाल कर दिया हमारी विधि बिटिया ने, बच्चों को बचाकर उनका भला किया सो किया, हमारे मोहल्ले का नाम भी कर दिया। इतनी बहादुर लड़की रहती है हमारे मोहल्ले में। अरे पर मुंह बंद रख ले, यहाँ पर हम दोनों हैं, वहाँ विधि के साथ आधा शहर आ रखा है, मुंह बंद रखने में ही भलाई है। हे मैया आपका बहुत बहुत आभार, जो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। बस मेरी विधि की बातें ऐसे ही मानते रहिएगा। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और उन्हें बचाकर विधि ने ईश्वर की मदद की है, उनका आशीर्वाद हमेशा इस पर बना रहे, खुश रहे बेटी। तूने से सोच भी कैसे लिया थे कि तू अपनी माँ की याद में अनाथ आश्रम खोलेगा और उन अनाथ बच्चों की रखवाली करेगा, और ये सुनकर मुझे बुरा लगेगा? ये तो कर्म की बात है बेटा, इस बात का मुझे गर्व है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अपनों के लिए तो सभी करते हैं देव, पर तू दूसरों के लिए करने का मन रखता है।
कैसे नाराज हो सकती? मुझे पता नहीं क्यों लगा कहीं आप ये ना सोचो कि मेरे प्यार में कोई कमी रह गई है ना, जो कभी नहीं हो। देव तू 8 साल का था ना जब मैंने शांतनु से शादी करके इस घर में कदम रखा। उस दिन से मैंने तुझे अपना बेटा माना। वो फीलिंग्स, वो प्यार आज तक नहीं बदला और ना कभी बदलेगा। मैं समझ सकती हूँ तेरे माँ के जाने के बाद और मेरे आने के बीच में 4-5 साल का वक्त था, और उस 4-5 साल में तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो अकेला था, और उन सालों ने तेरे अंदर अकेलापन भर दिया। मेरा भगवान जानता है मैंने उस कमी को पूरी करने की पूरी कोशिश की, और कभी से सोचना भी मत कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की यादों के बीच में होगी। कभी नहीं होगा। I'm sorry, माँ। मैंने आपसे ये बात पहले नहीं की, मुझे प्लीज माफ करें। देव एक बात याद रख, भले ही मैंने चित्रा और अभी को जन्म दिया है लेकिन मेरा पहला बेटा तू है। इस खानदान का उत्तराधिकारी सिर्फ तू है। मेरे दिल में, इस घर में और लीगली भी इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। किस्मत खराब होती है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लिया करता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये फैक्ट्री के बारे में और वहां काम करने वाले बच्चों के बारे में देव को बताया किसने होगा? And most importantly, ये विधि देव के साथ क्या कर रही थी? You know what? आप लोग जो विधि के बारे में बोलते हैं ना उसमें थोड़ा सब्सटेंस है, ये आज मुझे भी लग रहा है। हो गया तो अब मेरा लैपटॉप और कोई ओपन नहीं कर सकता? कोई नहीं, बस तुम अपना पासवर्ड याद रखना। विधि काम परफेक्टली करना ही काफी नहीं है, अपने काम को प्रॉपरली सिक्योर करना भी बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। वेलकम। मिस विधि, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, इट्स ओके। तो बैठो बैठो बैठो। आई ओके, तुम ठीक हो? तुम्हें तो इस वक्त घर में होना चाहिए ना, रेस्ट करते हुए। यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो ओवरटाइम वाला प्रपोजल भी तो ढंग से करना है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए छुट्टी लेने लगेंगे तो फिर काम कैसे होगा? राइट, वही प्रपोजल ना जो तुमने अपोज किया था। एनीवेज, आप सब लोगों के लिए एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में जाना पड़ेगा। ओके, उससे पहले मिस विधि आप एक बोल लीजिए, सारे स्टाफ मेंबर्स के पास जाइए और उनसे कहिए कि एक पीस ऑफ पेपर पे लिखिए कि उनके लिए प्यार क्या है, एक वर्ड में प्यार क्या है, प्यार क्या है, प्यार क्या है, प्यार क्या है। क्या क्या कहा आपने? स्टाफ मेंबर को जाके कहिए पीस ऑफ पेपर पे लिखिए एक वर्ड में कि उनके लिए प्यार क्या है। इसमें क्या समझने वाला है? आया सर, सब समझ आया। अगेन गुड सर। वो आप बॉस है तो आपसे स्टार्ट करें ना। Staff members only. Okay? Staff. Many. Staff. और मैं इतने टाइम से इस एक शब्द को कहने से भी बच रही थी। माता, आप भी ना सच में पता नहीं कैसे सारे खेल खेल जाती हो।
थैंक यू। अच्छा संगीता, तुम्हें भी उस चिट पे लिखना है कि प्यार तुम्हारे लिए क्या है और उस बोल में डालना है। ये सारे स्टाफ के लिए जरूरी है। ओके सर। सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। वैसे विधि ठीक कह रही थी, सभी में आप भी तो आते हैं, आपको भी लिखना चाहिए। ना